वर्तमान में बॉलीवुड इंडस्ट्री में कपूर खान और बच्चन परिवार के साथ साथ एक और परिवार है जो आज बॉलीवुड का फेमस परिवार है, वो है देवगन परिवार, जिसे हमें अजय देवगन जैसा मेगा स्टार मिला है। इस परिवार का बॉलीवुड से कोई नाता नहीं था, पर फिर भी इसके लोगों ने अपनी मेहनत और लगन से आज उस परिवार का नाम बॉलीवुड के फेमस फैमिलीज में दर्ज कराया, जिसका हर एक शख्स आज काफी फेमस है। लेकिन बावजूद इसके आज भी कई लोग इस परिवार के बारे में बहुत कम जानते हैं कि कैसे इस परिवार की नींव बॉलीवुड में रखी गई और किस तरह से बॉलीवुड में इस परिवार ने कपूर और खान के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब देने वाले हैं देवगन परिवार की हिस्ट्री बताकर। अगर आप भी देवगन परिवार के फैन हैं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और साथ ही इस फैमिली के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शुरू करते हैं इंडस्ट्री में देवगन परिवार की नींव रखने वाले वीरू देवगन से। ये अमृतसर के रहने वाले थे, पर फिल्मों में हीरो बनने की चाह इन्हें अमृतसर से मुंबई ले आई, पर मुंबई आने के बाद और 10 साल तक स्ट्रगल करने के बाद भी इन्हें फिल्मों में बतौर हीरो काम नहीं मिला, पर फिर भी ये अपनी किस्मत आजमाते रहे। एक दिन काम के सिलसिले में ही ये राज खोसला साहब से मिलने अनीता मूवी के सेट पर जा पहुंचे। वहां इनकी मुलाकात उनसे तो नहीं हुई, पर उस फिल्म में इन्हें बतौर स्टंटमैन काम करने का मौका मिला, जिसे इन्होंने स्वीकार कर लिया और वहीं इन पर मनोज कुमार की नजर पड़ी और वो इनके काम से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि अपनी अगली फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में इन्हें बतौर स्टंट डायरेक्टर कास्ट कर लिया। इस फिल्म से वीरू देवगन की गाड़ी चल निकली और इन्होंने एक के बाद एक कई बड़ी फिल्मों में बतौर स्टंट डायरेक्टर काम किया, जिनमें मिस्टर नटवरलाल, मिस्टर इंडिया और अंधा कानून जैसी 150 से ज्यादा फिल्में हैं। इसी बीच इनकी शादी वीना से हुई, जिनसे इन्हें 4 बच्चे हुए, अनिल, अजय, कविता और नीलम, जिसके बाद कुछ समय तक और इंडस्ट्री में काम करने के बाद साल 2019 में इनका निधन हो गया। अब बात करते हैं इनके बड़े बेटे अनिल देवगन की, तो वीरू देवगन के बड़े बेटे अनिल को फिल्मों में एक्टिंग करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इन्होंने अपना करियर फिल्मों के निर्देशन में बनाया और साल 1996 में फिल्म जीत से बतौर असिस्टेंट निर्देशक काम करके अपने करियर की शुरुआत की, जिसके बाद इन्होंने कई फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया, जिसके बाद साल 2002 में फिल्म राजू चाचा से अपने निर्देशन करियर की शुरुआत की, जो एक हिट फिल्म साबित हुई थी। इसके बाद इन्होंने ब्लैकमेल और हाल ए दिल फिल्म का भी निर्देशन किया, साथ ही अजय की फिल्म शिवाय और सन ऑफ सरदार में इन्होंने बतौर क्रिएटिव डायरेक्टर काम किया, पर फिलहाल ये इंडस्ट्री से दूर हैं और अपने बिजनेस पर फोकस कर रहे हैं। साथ ही अजय के सारे बिजनेस भी अनिल देवगन ही संभालते हैं। अब बात करते हैं देवगन परिवार के चहेते स्टार अजय देवगन की, तो जब वीरू देवगन को पता चला कि उनके बड़े बेटे को फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो उन्होंने अपने छोटे बेटे को एक एक्टर बनाने पर काम किया। बचपन से ही वीरू देवगन विशाल देवगन यानी कि अजय देवगन को घुड़सवारी, तैराकी और स्टंट की ट्रेनिंग देते आए थे, और जब इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो वीरू देवगन इन्हें बॉलीवुड में एंट्री कराने के लिए काफी जद्दोजहद करने लगे। इस दौरान निर्देशक कुकू कोहली अपनी फिल्म फूल और कांटे लेकर हीरो की तलाश में थक हार कर अपने दोस्त वीरू देवगन के पास आए, तब उनकी नजर दीवार पर टंगी अजय की फोटो पर पड़ी, जिसे देखकर उन्होंने कहा कि मुझे अपने फिल्म का हीरो मिल गया है। जिसके बाद इस सिलसिले में अजय से बात की गई तो वो इस फिल्म को करने में काफी संकोच कर रहे थे, पर बाद में इन्होंने इस फिल्म के लिए हाँ कर दी। जिसके बाद अपने बेटे की बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री के लिए वीरू देवगन ने अपने बेटे की पहली फिल्म में वो दो बाइक वाले स्टंट को डायरेक्ट किया, जिसके चलते अजय देवगन अपनी पहली फिल्म से फेमस हो गए थे। इनकी इसी लोकप्रियता को देखते हुए इन्हें एक के बाद एक फिल्मों के ऑफर मिलते रहे और ये लगातार हिट फिल्में देते रहे, जिनमें जिगर, दिल जले, सुहाग और इश्क जैसी कई फिल्में शामिल हैं। और वर्तमान में ये बॉलीवुड में नाम बनाने के बाद अपनी आने वाली तमिल फिल्म RRR की शूटिंग में बिजी हैं। वही बात करें इनके निजी जीवन की, तो इन्होंने फेमस एक्ट्रेस काजोल से साल 1999 में शादी की थी, जिसके बाद वो काजोल मुखर्जी से काजोल देवगन बन गई थी। शादी के बाद आज दोनों के दो बच्चे हैं, बेटी न्यासा जो 17 साल की हैं और अपनी पढ़ाई कर रही हैं, पर हो सकता है कि वो भी अपनी माँ पिता की तरह फिल्मों में काम करें, और बेटे युग हैं जो अभी 8 साल के हैं और धीरू भाई अंबानी स्कूल से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, पर हो सकता है कि वो अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं। वीरू देवगन के बेटों के बाद अब बात करते हैं इनकी बेटियों की, तो इनकी दो बेटियां हैं नीलम और कविता। नीलम एक बिजनेस वुमन है और उनकी शादी मुंबई के गांधी परिवार में हुई है। उनके दो बेटे हैं दानिश और अमन गांधी। वही बात करें इनकी बहन कविता की, तो उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि वो लाइमलाइट से हमेशा ही दूर रहती हैं। तो दोस्तों, आपको देवगन परिवार का कौन सा शख्स बेहद पसंद है, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।